Okay. Now, students, today our topic is I am going to teach you Marathi subject. आज मी तुम्हाला मराठी हा विषय शिकवणार आहे. आज आपला विषय आज जो आपला मराठी विषय आहे त्याचा आपला टॉपिक आहे लेखन कौशल्य. ओके, लेखन कौशल्य सगळ्यांना माहिती आहे, सबको पता है लेखन कौशल्य. सब इंग्लिश सब्जेक्ट में आप समझो आपने देखा होगा राइटिंग स्किल इसको बोलते हैं. तो राइटिंग स्किल को मराठी में हम बोलेंगे लेखन कौशल्य. ठीक है, मैं आपको थोड़ा बहुत हिंदी में भी बता दूंगी. तो अपना सब्जेक्ट जो मराठी है तो मराठी में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी. ओके, सो जो आज का जो टॉपिक है लेखन कौशल, जो राइटिंग स्किल है, राइटिंग स्किल में ये जो आएगा तो उसमें जो हम देखने वाले हैं आज वो है निबंध लेखन. क्या है? जो आज का टॉपिक हमारा है निबंध लेखन. ओके, तो निबंध लेखन सबको पता है, कंपोजिशन है और ऐसे राइटिंग सबको पता है. तो जो मराठी सब्जेक्ट में हम आज देखने वाले हैं निबंध लेखन. ठीक है, कंपोजिशन अभी देखो. ये जो हमारा जो क्वेश्चन है निबंध लेखन का, ये है क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न क्रमांक 5वा. आपल्या प्रश्न पत्रिकेत प्रश्न क्रमांक 5वा म्हणजे शेवटचा प्रश्न जो येतो तो लेखन कौशल्याचा येतो. हे सर्वांना माहिती आहे. इथे यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 में ई जो है जो लेखन कौशल्य गुण 8, मतलब क्या, तो 8 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो 8 मार्क्स के 8 मार्कला हा क्वेश्चन असतो. तो हा क्वेश्चन आहे पुढील लेखन प्रकारांपैकी कोणतीही एक कृती सोडवा. तो क्या है क्वेश्चन, तो कैसे आता है ये कि जो लेखन प्रकार जो दिए गए हैं उसमें से हमें कोई भी एक जो टॉपिक है वो हमें क्या करना है, वो हमें लिखना है, वो हमें अटेम्प्ट करना है. ठीक है, 100 से 120 शब्दात, मतलब क्या, तो 100 से लेके हमें 120 वर्ड्स तक मैक्सिमम हमें लिखना है. उससे ज्यादा भी हम लिख सकते हैं पर कम नहीं लिख सकते क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स का आता है. तो हमें उसमें ऐसे टाइप, मतलब कंपोजिशन हम जैसे लिखते हैं वैसे हम मराठी में ये लिखने वाले. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 3 टॉपिक रहेंगे, 3 टाइप्स है लेखन कौशल्य के, जो है प्रसंग लेखन है, आत्मकथन है और वैचारिक निबंध. ठीक है, तो यहाँ पे 3 टॉपिक रहेंगे, 3 में से हमें जो इजी लगेगा वो हमें लिखना है. अभी ये जो है ये निबंध लेखन के टाइप्स है. ठीक है, ये जो तीनों आप देख रहे हो प्रसंग लेखन है, आत्मकथन है और वैचारिक निबंध, तो ये तीनों है निबंध लेखन के टॉपिक है. ठीक है, उसमें आपको टॉपिक आएंगे कौन सा लिखना है, क्या कैसे लिखना है. ठीक है, आपको जो इजी लगेगा वो आपको लिखना है. तो उससे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है, म्हणजे तुम्हाला हे महत्त्वाचे आहे की प्रसंग लेखन म्हणजे काय, आत्मकथन म्हणजे काय, वैचारिक निबंध म्हणजे काय, हे माहीत असणं खूप गरजेचं आहे. ठीक आहे, तर आपण हे तिन्ही टॉपिक व्यवस्थित समजून घ्यायचे आहे आज की प्रसंग लेखनाला काय म्हणतात, या लेखनात कोणत्या टाइपचे एसे येतात, आत्मकथन म्हणजे काय, वैचारिक निबंध काय, तर हे आपण आज बघणार आहोत. ठीक आहे, तर सुरुवातीला आपण बघूया निबंध. निबंध म्हणजे काय, पहिले काय, तर निबंध म्हणजे काय आपण बघूया. कंपोजिशन किसको बोलते है, क्यों लिखा जाता है, क्या रहता है इसका मीनिंग, वो हम देखेंगे. ठीक है, अभी देखो निबंध म्हणजे काय, तर निबंध लेखन म्हणजे विचारांची विषयनुरूप केलेली मुद्देसूद मांडनी. अभी देखो ऐसे कंपोजिशन को क्या बोलते हैं हम, निबंध. तो उसको क्या बोला जाता है, निबंध मतलब क्या, विचारांची विषयनुरूप, मतलब हम लोग जो विचार करते हैं उसको क्या, विषयनुरूप केलेली मुद्देसूद मांडनी, मतलब क्या, सिक्वेंसली हमें हर एक मुद्दे को लेके हमें ये लिखना है. मांडनी का मतलब है इन ऑर्डर, सिक्वेंसली. ओके, लेआउट इन ऑर्डर में हमें हम जो लिखने वाले है वो उसको हमें क्या हम बोलते हैं, निबंध. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा है, तो निबंध म्हणजे बांधने. बांधने मतलब हमें क्या करना है, जो भी वर्ड्स हमें, हमारी जो सोच है, हमारे जो विचार है, हमारे
माइंड में जो भी वर्ड्स आते हैं उसको हमें क्या करना है, टाई करना है, बांधना है। गुंफने मतलब क्या, तो विनने, गुंफने का मतलब है विनने मतलब वेविंग करना है। क्या हमें सब वर्ड्स को एक साथ मिला के लिखना है, जुड़वने, जुड़वने मतलब ज्वाइन करना है। तो निबंध का क्या मतलब आता है कि हमारे माइंड में जो विचार आने वाले है टॉपिक को लेके, जो सब्जेक्ट दिया जाएगा, जो टॉपिक दिया जाएगा उसके उसका जो जो विचार आने वाले, उसको हमें क्या करना है कि सब वर्ड्स को मिला के हमें एक अच्छा निबंध लिखना है। अभी देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपल्या भावना कल्पना आणि सर्जनशीलता यांचा आविष्कार शब्दांकित करणे म्हणजे निबंध लेखन। मतलब क्या, अपना भाव आपल्या भावना, आपल्या फीलिंग्स, कल्पना मतलब इमेजिनेशन, सर्जनशीलता मतलब क्रिएटिविटी, ये सब मिला के हमें क्या करना है, एक नया इनोवेशन करना। आविष्कार का मतलब है इनोवेशन। ओके, तो ये हमें निबंध लेखन ऐसे लिखना है। तो ये है निबंध का मीनिंग। ठीक है, तो निबंध हमें ऐसे लिखना है। ओके, अब नेक्स्ट देखो। अभी निबंध, पहले निबंध मैं डायरेक्ट आपको नहीं बताऊंगी प्रसंग लेखन क्या, ये क्या। तो पहले हमें क्या देखना है, तो पहले हम जो लेखन लिखने वाले हैं, जो लिखने वाले हैं वो कैसे लिखेंगे, लेखन करताना घ्यावयाची काळजी। अभी लेखन लिखना है इसका मतलब ये नहीं कि आपको कैसे भी लिखना है, कुछ भी है, चलो लिखना है इसके लिए कोई भी टॉपिक लिया और लिख लिया, तो ऐसे नहीं है। तो आपको कुछ ये प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे या केयरफुली आपको देखना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स है, आप देख सकती हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। मैं फर्स्ट पॉइंट रीड कर रही हूँ। तो क्या है देखो, फर्स्ट पॉइंट, विषयाची निवड करताना तुम्हाला खरच कोणत्या विषयाची योग्य माहिती आहे हा विचार करा, मग विषय निवडा। क्या जो भी टॉपिक हमें दिए गए हैं, जो भी 3 टॉपिक दिया है आपको, उसमें से आपको जो भी टॉपिक आप चूज करने वाले, निवड मतलब क्या चूज करने वाले हो, तो उसको क्या आपको सोचना पड़ेगा कौन-त्या विषयाची योग्य माहिती, मतलब हमें उस तीनों में से कौन से सब्जेक्ट है या कौन से टॉपिक का हमें अच्छे से पता है वही हमें चूज करना है। ठीक है, कोई भी टॉपिक चूज नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, कृती पत्रिकेत आलेल्या विषयांपैकी तुम्ही कोणत्या विषयावर लेखन करू शकता याचा प्रथम विचार करा। क्या करना है आपको, जो कृती पत्रिका मतलब अपना क्वेश्चन पेपर जो है, उसमें जो भी टॉपिक आया है उसमें से आप कौन से टॉपिक पे अच्छे से लिख सकते हो वो पहले विचार करना है। ठीक है, नंतर आहे तीसरा टॉपिक आहे त्या विषयावर आधारित काही महत्त्वाच्या ओळी तुमच्या जवळ आहेत का हे पहा। मतलब उस टॉपिक के ऊपर आपके पास कोई मीनिंगफुल सेंटेंस है क्या वो देखो। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो मराठी स्टूडेंट्स है वो अच्छे से इजीली आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो, लिख सकते हो, सोच सकते हो, बट जो हिंदी स्टूडेंट्स है उनको थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि आप उसमें उस टॉपिक के ऊपर सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो या नहीं, वर्ड्स लिख सकते हो या नहीं, सोच सकते हो या नहीं, तो वो आप पहले सोचो। ठीक है, कि कौन सा टॉपिक आपको इजी है, फिर आप चूज करके लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ, शुद्ध लेखनाकडे लक्ष द्या। शुद्ध लेखन मतलब गुड हैंड राइटिंग, आपका जो हैंड राइटिंग रहेगा उसके ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है, अच्छे से लिखना है, कैसे भी नहीं, क्योंकि ये निबंध है, आप सबको पता है आप प्राइमरी से लिखते आए हो। ठीक है, तो निबंध लेखन की कॉम्पिटिशन भी होते हैं सबको पता है ना, तो इसके लिए ये अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना जरूरी है। नेक्स्ट है, एखादा विषय निवडल्यावर आपल्या आपले स्वतःचे विचार इतरांचे विचार याची गल्लत न करता तुम्हाला मांडता येणे गरजेचे आहे। मतलब क्या, हमें सोचना है सिर्फ खुद के विचार सोचने, ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं सोचना है कि दूसरे क्या सोचते हैं, हमें खुद के विचार जो है वो हमें इसमें एक्सप्रेस करके लिखने हैं। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, आपल्या लेखनातून एक नवा विचार आपण देऊ शकतो का, मतलब हम जो लिखने वाले उसमें से कुछ नया हम दे सकते हैं क्या, वो हम लिख सकते हैं या सोच सकते हैं। ठीक है, याचा विचार करा आणि मगच लिहायला घ्या। ठीक है, ये सब ये जो सब 6 टॉपिक्स है, पॉइंट्स है, वो आपको सबको याद करना है या मतलब ध्यान में रखना है, और फिर लेखन मतलब स्टार्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अभी लेखनाची सुरुवात।
लेखन है जी शुरुआत, मतलब हम जो लिखने वाले कंपोजिशन है उसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे, स्टार्टिंग कैसे करनी है। तो देखो मतलब कैसे भी अभी टॉपिक है, पता है, बहुत इजी है, हमें लगेगा देख के कोई कोई बेचारे वह बहुत इजी है और डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं बिना सोचे, कुछ ज्यादा सोचते नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या है, देखो जो स्टार्टिंग है वो कैसे लिखनी है। यहाँ पे देखो लिखा है लेखनाची शुरुआत आकर्षक असावी, कैसी रहनी चाहिए लेखनाची शुरुआत आकर्षक, मतलब अट्रैक्टिव रहनी चाहिए। त्या विषयाची व्याख्या देऊन, एखाद्या कवितेच्या ओळी देऊन, एखादा प्रसंग सांगून, एखादी वर्तमानपत्राची बातमी सांगून, एखादी म्हण किंवा वाक्य प्रचार सांगून सांगून, एखादा संवाद थोडक्यात देऊन किंवा एखादी गोष्ट सांगून करता है। देखो यहाँ पे जो लेखन हम शुरू करने वाले उसके ऊपर हमें क्या करना है, अट्रैक्टिव चाहिए हमें जो शुरुआत है, मतलब क्या करना है कि जो रीडिंग करने वाला है, निबंध जो पढ़ने वाला है, उसको स्टार्टिंग में ही अगर आपने अट्रैक्टिव बनाया तो ही वो पूरा निबंध रीड करेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो शुरुआत है वो बहुत अट्रैक्टिव रहनी चाहिए, मतलब जो आप वर्ड्स यूज, अट्रैक्टिव का मतलब क्या है, जो आप वर्ड्स यूज करने वाले हैं, जो भी टॉपिक से रिलेटेड हम कोई भी पोएम के सेंटेंस डाल सकते हो या कोई प्रोज डाल सकते हो, स्लोगन डाल सकते हो, तो इस तरह से आप क्या लेखनाची शुरुआत स्टार्टिंग कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है लेखनाचा मध्य भाग। अभी स्टार्टिंग हो गया तो उसके बाद आएगा कि मध्य भाग, मध्य भाग मतलब जो मिडल पार्ट जो हम लिखने वाले हैं वो। ठीक है, लेखनाच्या मध्य भागात विषयाचा मूळ विचार स्पष्ट करणे महत्त्वाचे आहे। क्या विषयाचा मूळ विचार, मतलब जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ही हमें लिखना है, उससे अलग कुछ भी टॉपिक से दूर नहीं जाना है हमें। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में हमें डिस्क्राइब करके अच्छे से लिखना है। उगास अनावश्यक बाबी लिहित बसने गरजेचे नाही, अननेसेसरी चीजें हमें नहीं डालनी है, नहीं लिखनी है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि बड़ा दिखना चाहिए, बहुत अच्छा दिखना चाहिए, तो कुछ भी लिखते रहते हैं, तो वो टॉपिक से रिलेटेड रहेगा नहीं रहेगा वो सोचते नहीं है, इसके लिए अननेसेसरी चीजें हमें नहीं लिखनी है। ठीक है, 30-30 वाक्य पुनः पुनः येत नाही त्याचे भान ठेवावे, यासाठी दोन परिच्छेद पुरतील। अभी देखो क्या होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वही सेंटेंस कंटिन्यू लिखते हैं, दो दो तीन तीन बार लिखते हैं, तो ऐसे हमें नहीं करना है। आपको लगेगा ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा हमारे, ऐसे तो ऐसे नहीं करना है, क्योंकि वो जल्दी ध्यान में आता है कि आपने वो सेंटेंस फिर से लिख के है, दो तीन बार लिख के है, तो हमें ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो, ऐसे बड़ा लगने के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते हो। और इसमें आपको दो परिच्छेद का मतलब क्या है, तो दो पैराग्राफ में जो मिडल पार्ट हम लिखने वाले हैं वो दो पैराग्राफ में आना चाहिए। जैसे मैंने बोला जो शुरुआत रहेगी वो स्टार्टिंग में एक पैराग्राफ आएगा, और मिडल में जो आएगा जो मिडल पार्ट है हमारा, तो उसमें दो पार्ट में दो पैराग्राफ में आपको लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, लेखनाचा मध्य भाग हो गया, अभी हम देखेंगे लेखनाचा शेवट, जो हम लेखन करने वाले हैं उसका शेवट, मतलब एंडिंग। एंडिंग हम कैसे करेंगे, तो लेखनाची सुरुवात जितकी महत्वाची व आकर्षक तितकाच शेवट ही परिणामकारक असावा। आपण संपूर्ण लेखनात मांडलेले विचार आपले म्हणणे वाचकाला विचार करायला लावणारे असावे, ते विचार अत्यंत स्पष्टपणे मांडण्याचे कसब आपल्याकडे असायला हवे। अभी देखो जो जैसे हम जितना इम्पॉर्टेंस हम स्टार्टिंग को देते हैं, वैसे ही हमें जो हम जो एंडिंग करने वाले हैं, जो लेखनाचा समारोह बोलते हैं उसको वो करने वाले हैं, वो भी उतना ही क्या इम्पोर्टेंट रहता है, उतना ही हमें अट्रैक्टिव, जैसे हमने स्टार्टिंग में लिखा है वैसे ही हमें एंडिंग में जो एंड करने वाले हैं उसमें भी हमें क्या करना है, तो अट्रैक्टिव लिखना है, अच्छे से लिखना है वो। ठीक है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो शेवट हम करने वाले हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आप सोचते हो कि ऊपर का फर्स्ट हमने अच्छा लिखा, फिर नीचे एंडिंग के टाइम आप थक जाते हो लिखने के टाइम, और क्या जल्दी जल्दी में आप कंप्लीट कर देते हो, तो ऐसे नहीं है, तो आपको इसके लिए पर्टिकुलर क्या टाइम फिक्स करना चाहिए अच्छे से, और क्या लिखना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अभी क्या दिए हैं, आपले म्हणणे वाचकाला विचार करायला लावणारे असावे, मतलब क्या, तो आप जो लिखने वाले हैं तो वो उसका जो है वो जो रीड करने वाला है, जो चेक करने वाला है, उसको सोचना पड़ना चाहिए कि हाँ इसने सही लिखा है,
ठीक है, तो उसको भी अच्छा लगना चाहिए, तो वो आपका ऐसे पूरा रीड करेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो एंड है, लेखन शेवट है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि शुरुआत क्या है, मध्य भाग मतलब मिडल पार्ट कैसे लिखना है और शेवट कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया कैसे हमें लेखन लिखना है। ओके, अभी हम देखेंगे जो पहला जो पार्ट है, प्रसंग लेखन। हमने देखा ना, तीन पार्ट है इसमें, टाइप से प्रसंग लेखन है, आत्मकथन है और वैचारिक निबंध। तो उसमें पहला जो आएगा वो है प्रसंग लेखन। ठीक है स्टूडेंट्स, सबको समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? तो हमें जो प्रसंग लेखन है उसको इंग्लिश में बोलते हैं थीम राइटिंग। क्या बोलते हैं? थीम राइटिंग। प्रसंग मतलब क्या, कोई भी एक सिचुएशन या कोई भी एक थीम दिया जाता है और दिया जाता है, और हमें क्या करना पड़ता है कि उसके ऊपर हमें निबंध लिखना है। अभी देखो क्या होता है, प्रसंग दिया जाएगा तो हमारे सामने, आंखों के सामने अपने आप वो पिक्चर आना चाहिए। ठीक है, तो ही हम ये प्रसंग लेखन अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी आता इतने बगा प्रसंग लेखन म्हणजे का, आधी मी तुम्हाला वाचून दाखवते। प्रसंग लेखन म्हणजे वर्णनात्मक निबंध होय। ठीक है, मतलब हमें ये वर्णन करना है, डिस्क्राइब करने, अच्छे से डिटेल में लिखना है। वर्णनात्मक निबंध आपण पाहिलेल्या अनुभवलेल्या प्रसंगाचे वर्णन करायचे आहे। इसमें क्या है, हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस लिया, अनुभवले मतलब क्या, तो सॉरी, एक्सपीरियंस लिया है या प्रसंग वो, या उस सिचुएशन में हम गए हैं या देखा है वो सिचुएशन, ऐसे हमें वो देख के, वो सोच के उसका वर्णन करना है। तसेच एखाद्या स्थळाचे, प्रसंगाचे, निसर्गातील सुंदर किंवा भीषण दृश्याचे चित्र शब्दांनी रेखाटायचे आहे। मतलब क्या, हमने जो दृश्य देखा है, निसर्ग का सौंदर्य देखा है, उसका हमें शब्दों में वो वर्णन करना है। ओके, साधारणतः निबंधाची सर्व विषय आपल्या परिचयाची असतात। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो भी हमें टॉपिक्स दिया जाता है वो हमें सब क्या पता होते हैं, वो टॉपिक्स हम देखे रहते हैं या सुने रहते हैं हमने, तो वो इसके लिए हमें वो इजी रहता है वो लिखने के लिए। ठीक है, त्या प्रसंगात आपण असतो तर काय झाले असते, असा नुसता विचार जरी मनात आला तरी आपण त्या प्रसंगात बुडून जातो। क्या होता है, हमें अगर कोई थीम दिया जाएगा तो उसमें हम क्या होता है, सोचने लगते हैं, अभी सोचने लगते हैं, और क्या होता है, हमें हम क्या हो जाते हैं, उसके बारे में हम लिखने के लिए ये हो जाते हैं, लिख सकते हैं इजीली। ठीक है, आपल्या कल्पना, भावना, विचार एक होते, अशा भावनिक स्थितीत आपण त्या प्रसंगाचे वर्णन केले तर ते वर्णन राहत नाही, ते संवेदनशील देणे प्रभावी बनते, विचारणाऱ्याला मनाला भिडते, त्याच्या डोळ्यासमोर तो प्रसंग साक्षात उभा राहतो। हेच वर्णन कौशल्य या प्रकारच्या निबंधात अपेक्षित असते। क्या, जो रीड करने वाला है वो भी सोच, वो उसको भी वो सोचने के लिए हमें मजबूर करना है, वो भी उसके सामने, वो जैसे रीड करेगा तो उसके सामने वो पिक्चर आना जरूरी है, उसके वो अपने आप वो पिक्चर उसके सामने आना चाहिए, उसकी आंखों के सामने वो पिक्चर आना चाहिए, जो भी प्रसंग है वो आना चाहिए, तो ऐसे हमें वो निबंध लिखना है। आपण पाहिलेले दृश्य वाचकांच्या डोळ्यांसमोर उभे राहील अशी आपल्या निबंधाची चित्रदर्शी भाषा असावी। चित्रदर्शी भाषा मतलब हम जो लिखने वाले हैं तो उसका हमें क्या करना है, चित्रदर्शी मतलब वो पिक्चर, वो क्या पिक्चर थ्रू हमें वो लिख के, मतलब वर्ड्स हमें ऐसे यूज करने हैं जो हम लिखने वाले की, वो रीड करने वाले के आंखों के सामने क्या होना चाहिए, वो पिक्चर अपने आप आना चाहिए। ठीक है, अभी प्रसंग लेखन। प्रसंग लेखना में महत्वाच्या बाबी, कोणत्या महत्वाच्या बाबी है, काय कशा प्रकारे आपण लिहायचं आहे प्रसंग लेखन, तो यहाँ पे देखो 4 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है, प्रसंगाचे किंवा घटनेचे स्वरूप स्पष्ट झाले पाहिजे। जो भी हमें प्रसंग दिया गया है उसका स्वरूप हमें क्या पता होना चाहिए, वो स्पष्ट होना चाहिए कि हाँ इसमें यही लिखना है। ठीक है, अभी ये जैसे कि मी अनुभव लेला पहिला पावसाळा। ठीक है, पावसाळा मतलब बारिश, बारिश के बारे में ही, तो आपके सामने पहले क्या आना चाहिए, तो पहले आपके आंखों के सामने क्या आएगा, पिक्चर, बारिश का पिक्चर आएगा। तो इसके लिए वो जो प्रसंग है तो वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, त्यासाठी सूक्ष्म
निरीक्षण क्षमते की आवश्यकता, मतलब क्या, एकदम क्लियर ऑब्जर्वेशन की बहुत जरूरी है। बारीक सारीक तपशीला सह प्रसंगाचे वर्णन करता येते। छोटे छोटे चीजों को हम लेके प्रसंग जो थीम दिया है उसके बारे में हम क्या डिटेल में एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है प्रसंगातील भावनांचे ही दर्शन घडणे आवश्यक आहे। अभी देखो हर एक प्रसंग अच्छा ही होना चाहिए वैसे नहीं रहता है, हर एक सिचुएशन अलग अलग रहती है, तो उसका जो फीलिंग्स है वो फीलिंग्स को क्या दिखाना बहुत जरूरी है। अगर वो अच्छा मतलब खुशी का ये सिचुएशन है तो हमें वैसे हमें लिखना है, अगर वो कुछ सैड का सैडनेस या दुख का ये है सिचुएशन है तो पूरा प्रसंग है तो हमें वैसे अपनी जो फीलिंग्स है वो वर्ड्स में लिखनी है। ठीक है, लास्ट देखो चेहऱ्यावरचे भाव हाव भाव शब्दांचे उच्चारण वगैरह मधून संवेदनशीलता दिसते, प्रसंग वर्णनात त्याची अपेक्षा असते। हमारे जो एक्सप्रेशन रहते हैं वो भी बहुत जरूरी है, वो भी हमें क्या उसमें जब हम लिखते हैं तो लिखने के टाइम पे हमें वो सोच के लिखना है, जो प्रोनाउंसिएशन जो फीलिंग्स है वो सब अच्छे से हमें प्रसंग लेखन में एक्सप्रेस करके लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या है रीडिंग की हैबिट डालनी बहुत जरूरी है। अगर आप रीडिंग करोगे और डेली आपका रीडिंग रहेगा तो ही आपको क्या राइटिंग की हैबिट लगेगी, मतलब रीडिंग और राइटिंग दोनों यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट है अभी यहाँ पे देखो मैंने कुछ टॉपिक लिखे हैं प्रसंग लेखना देणारे विषय, कौन से टाइप के निबंध आते हैं प्रसंग लेखन में, तो पावसाळ्यातील एक दिवस, मी पाहिलेली सैनिकी जीवन, मी केलेले श्रमदान, शाळेची सहल, अशी साजरी केली दहीहंडी, अकस्मात पडलेला पाऊस, मी पाहिलेली जत्रा। अभी देखो ये प्रसंग ऐसे दिया जाता है कि उसके बारे में हमें वो पिक्चर सोच के हमें लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल शाळेची सहल तो आपके माइंड में जल्दी से अभी वो पिक्चर आएगा, हाँ हम पिकनिक पे गए थे और ऐसे ऐसे हुआ था यहाँ गए थे, तो ये सब हमें क्या अच्छे से लिखना है। वो प्रसंग हमें जैसे मैंने बताया कि शुरुआत कैसी होनी चाहिए, मिडिल पार्ट कैसे होना चाहिए और एंडिंग कैसी होनी चाहिए, जो प्रसंग मतलब लेखनाचा शेवट कैसे होना चाहिए वो सोच के हमें उस टॉपिक के ऊपर अच्छे से लिखना है। ठीक है, अभी हम मैंने एक टॉपिक लिया है इसमें से आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसमें से मैंने ये टॉपिक लिया है मी पाहिलेली जत्रा। अभी जत्रा मतलब सबको पता है ना मेला, सब मेले में जाते हैं, गांव में मेला लगता है, तो यहाँ पे मी पाहिलेली जत्रा जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे लिखना है। अभी जत्रा मेला मतलब क्या आपके माइंड में अभी पिक्चर आया होगा, मेले में हम क्या क्या करते हैं क्या क्या देखते हैं वो सब अपने माइंड में अपने आप आता है, तो वही हमें क्या करना है, वही हमें अपने विचार अपने शब्दों में वो निबंध लिखना है। ठीक है, अभी देखो कभी कभी क्या होता है सिर्फ पिक्चर दिखाया जाता है और मी पाहिलेली जत्रा ऐसे टॉपिक दिया जाता है और हमें लिखना पड़ता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहता है कि ऐसे टाइप में क्वेश्चन आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, पुढील मुद्दे वाचा आणि दिलेल्या प्रसंगाचे वर्णन करा। अभी देखो बीच में लिखा है मी पाहिलेली जत्रा, अभी ये जो मुद्दे है इसको सोच के हमें ये सब पॉइंट से हमें दिए। ठीक है, या सगळ्या पॉइंटला हमाल आपल्याला यूज करायचा आहे आणि आपल्याला काय निबंध लिहायचा आहे, जसे देव दर्शन आहे, मिठाईचे दुकान, जत्रेची मजा घेणे, देवळाची सजावट, गावची जत्रा, तो ये सब पॉइंट्स हमें अपने निबंध में यूज करने हैं और उसको लेके ही हमें अपना निबंध जो है वो लिखना है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमें हेल्प के लिए रहते हैं, उससे हमें थोड़ी बहुत आइडिया आ जाती है कि हमें निबंध में क्या लिखना है। ठीक है, अभी जो मराठी बच्चे हैं उनको तो जल्दी समझ में आता है कि मी पाहिलेली जत्रा मतलब क्या है, पर हिंदी बच्चों को भी मैं बोल देती हूँ कि वो भी बहुत ईजी है, जैसे आप मेले में जाते हो वैसे ही उसमें जो जो देखते हो वही आपको लिखना है, सिर्फ यहाँ पे आपको मराठी में लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं बोलती हूँ आपको रीडिंग की और राइटिंग की बहुत हैबिट डालनी चाहिए और रीडिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ही आपको सेंटेंस फ्रेम करना वर्ड्स को सोचने की क्या होती है हैबिट हो जाती है। ठीक है,
अभी देखो, यहाँ पे मैंने निबंध लिखा है, तो यहाँ पे देखो जो पॉइंट्स है वो सब मैंने ये यूज किए हैं और वो निबंध यहाँ पे लिखा है, ठीक है। मी पाहिलेली जत्रा, माझ्या गावात भैरवी या ग्रामदेवतेचे देऊळ आहे। या आमच्या ग्रामदेवतेची जत्रा दरवर्षी पौर्णिमेला भरते। भैरवी देवीचा उत्साह म्हणजे संपूर्ण गावातील सामुदायिक सोहळा असतो। चैत्राली तुमच्या मागे पुढे 5-10 दिवस देवळाचा परिसर नुसता भरून गेलेला असतो। देखो अभी स्टार्टिंग में बताया गया है कि जत्रा मतलब डायरेक्ट यहाँ पे स्टार्ट नहीं करना है, हाँ हम जत्रे में गए थे, ये हुआ तो हुआ था। तो यहाँ पे क्या बताया कि जत्रा मतलब कि मोस्टली गांव में क्या रहता है कि भगवान की और जो देवी की जत्रा रहती है, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। तो उसके लिए वहाँ पे जो देवी की जत्रा है, उत्सव है, तो गांव के जो लोग है वो यहाँ पे आए हैं। ऐसे यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें लिखना है कि सब एक साथ यहाँ पे क्या घूमने के लिए आए हैं, भगवान का दर्शन लेने के लिए आए हैं, ऐसे भी आप बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखो, अखेर चित्र पूर्वेचा दिवस उजड़ला, पहाटे दुरुन सनेचे मंगल सुर कानी येत होते। देखो अभी वो जो सिचुएशन है, प्रसंग है, वो उसने यहाँ पे कैसे शब्दों में लिखा है, वो हमें सोच के ही रीड करने के टाइम ही हमारे आंखों के सामने वो पिक्चर आना चाहिए, ठीक है। त्यात नगराचा मंद ठेका घुमत होता, मंजूळ घंटा नाद वातावरणात गुंजत होता, सारे वातावरण मंगलमय झाले होते। अशा पवित्र वातावरणात मी व माझा आत्ये भाऊ जत्रेमध्ये फेरपटका मारायला निघालो। देखो यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ में बताया गया है कि हम वहां पे, मैं और मेरा भाई जो है वो जत्रे में मेले में घूमने के लिए गए हैं, ठीक है। और वहां का जो सिचुएशन है, क्या हो रहे है, मंगलमय सुर सुनाई दे रहा है, क्या मंदिर की घंटे का आवाज सुनाई दे रहा है, तो वो सिचुएशन क्या क्या हो रही है वहां पे, तो वो हमें शब्दों में लिखना है। नेक्स्ट है, रंगरंगोटी करून सजवलेले देवालय आपल्या भक्तजनांच्या स्वागतासाठी तयार होते। दीपमाळेतील झगझगत्या दिव्यांचा प्रकाश प्रभातीच्या धूसर वातावरणात दूरवर पसरला होता। गावातील युवकांनी देवालय आणि त्यांचा परिसर रंगबिरंगी फुले फुलांनी व पताकांनी आणि माळ यांनी सुशोभित केला होता। देखो यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ में आप देख सकते हो कि उसमें दिया है कि वो कैसे किया था वहाँ पे, कैसे कलरफुल वातावरण था, जो एटमोस्फियर था वहाँ पे, सब भक्तजन आए थे भगवान के दर्शन लेने के लिए आए थे, सब जगह लाइटिंग लगाई गई थी, तो ऐसे यहाँ पे बताया है। दिवस जसा पुढे सरकू लागला जत्रा चौरंगानी उत्साहाने फुलू लागली, मतलब जैसे दिन स्टार्ट हो गया आगे आगे जाने लगा, वैसे ही जो जत्रा है मेला है वो फूलने लगा, लोग आने लगे, तो उत्साह जो है वो फुलून गेला, मतलब लोगों में जो उत्साह था वो बढ़ने लगा, ठीक है। अभी ये अपना हो गया मिडल पार्ट, स्टार्टिंग आपने देखा, मिडल पार्ट में हमें क्या बताना है, तो वहां पे जो जत्रा है उसमें क्या हो रहा है वो हमें बताना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ देवळाच्या परिसरात विविध दुकानांच्या राहुट्या पडल्या होत्या। राहुट्या पडल्या होत्या मतलब क्या कि दुकानों की बहुत लाइन लगी हुई थी। आपने देखा होगा कि मेले में क्या रहता है, मोस्ट ऑफ द लोग क्या शॉपिंग करते हैं, बहुत सारे दुकान रहते हैं। देवीच्या ओटी साठी खन नारळ फुले हळद कुंकू विकणारी दुकाने क्या वहां पे, व प्रसादाची विविध पदार्थ असणारी मिठाईची दुकाने देवालयाच्या परिसरात उभी केली होती, ठीक है। तो वहां पे बहुत सारे शॉप्स थे, फॉर एग्जाम्पल जैसे नारियल फूल हल्दी कुंकू, जो मतलब जो भगवान के मंदिर के नीचे रहते हैं, आपने देखा होगा, तो वो हमें क्या बताना है। विविध पदार्थ असणारी मिठाई, जो स्वीट्स रहते हैं, जो प्रसाद के लिए हम लेके जाते हैं, तो वो भी बहुत सारी दुकान थे। स्वयंपाकघरात लागणाऱ्या वस्तू, बांगड्या, शोभेच्या वस्तू, तयार कपडे इत्यादी अनेक दुकाने रांगेत मांडलेली होती। मतलब जो भी चीजें, छोटी बहुत छोटी मोटी चीजें जो लगती है हमें घर में, तो वो सारी चीजें रहती है। लेडीज के लिए भी बहुत सारे अच्छे अच्छे शॉप्स रहते हैं, सबको पता है मेले में कितना अच्छा अच्छा क्या मिलता है।
काही दुकानातून विविध प्रकारची खेळणी आकर्षण पणे मांडून ठेवली होती. छोटे बच्चे के लिए टॉयज रहते है, वो भी शॉप्स वहां पे रहते है. जत्रेत दिसत होती. देवीचे दर्शन घेऊन येणारी गावकरी या साऱ्या दुकानात डोकावत होते, आवश्यक वस्तु खरीदी करत होते. देखो यहाँ पे हमें वो सिचुएशन दिखाना है ना, वहां पे क्या चल रहा है. तो हम यहाँ पे बताया गया ही कि इतने सारे शॉप्स थे और लोग क्या कर रहे हैं, भगवान के दर्शन लेके, देवी का दर्शन लेके सब यहाँ पे शॉप्स में जो भी चीजें लगने वाली है वो खरीदी, मतलब ले रहे हैं, खरीदने के लिए आए हैं. ठीक है, समझ में आया. तो अभी देखो यहाँ पे इसका हमें अभी एंड करना है. यहाँ तक हमें बताया कि वहां पे क्या क्या हो रहा है जत्रे में, हमने जो देखा है. तो एंड हम कैसे करेंगे देखो यहाँ पे लिखा है. बालकांच्या आनंदात भर घालणारे फिरते पाळणे, गोल फिरणारी चक्रे व हॉटेल्स ही जत्रेत होती. आपको सबको पता है मेले में क्या सिर्फ शॉप नहीं रहते, खेलने के लिए वो जो जेंट व्हील वगैरह सब जितने सारे पाले पता है ना, सब वो सब रहते हैं. ठीक है, देवीच्या साक्षीने गावकरी हा सारा आनंद मनमुरादपणे लुटत होतो. साऱ्या जत्रेतून संध्याकाळ होईपर्यंत आम्ही मनमुराद भटकलो, भूक तहान तर सहज विसरून गेलो होतो. पुढच्या वर्षी जत्रेला येण्याचा संकल्प सोडून मी घराकडे परतू लागलो. समझ में आया. तो यहाँ पे शाम तक वो वहां पे घूमने लगे और एंजॉय करने लगे, और भूख तहान मतलब खाना पीना सब भूख भूल के उन्होंने एंजॉय किया. और उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी पुढच्या वर्षी ही जत्रेला ऐसा संकल्प, मतलब नेक्स्ट ईयर भी जत्रे को मतलब मेले में हम जाएंगे ये सोच के जो हम लिखने वाले हैं वो लिखना है कि मैं घराकड़े परत, मतलब मैं घर पे रिटर्न आया. तो आप पूरे आपको समझ में आया होगा यहाँ पे जो जत्रा है मतलब मेला है उसके बारे में कैसे एक्सप्लेन डिटेल में कैसे लिखना है. तो रीड करने के टाइम पे हमारे सामने अपने आप वो पिक्चर आता है, हाँ मेले में ये सब चीजें थी, ये हो रहा था, लोग आ रहे थे, एंजॉय कर रहे थे. तो इस तरह हमें जो है प्रसंग लेखन लिखना है. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा प्रसंग लेखन इसका मतलब क्या है और कैसे लिखना है. ठीक है, अभी जो है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आत्मकथन निबंध. ओके, आत्मकथन निबंध में क्या होता है देखो, ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे रहता है ये, मतलब आत्मकथन म्हणजे काल्पनिक आत्मवृत्त लेखन. ठीक है, काल्पनिक रहता है वो इमेजिनेशन से हमें लिखना पड़ता है. अभी प्रसंग लेखन और आत्मलेखन उसमें क्या डिफरेंस है, तो प्रसंग लेखन जो रियल में हो रही है चीजें वो हमें डिटेल में लिखनी है. तो आत्मकथन है जो मोस्टली रियल में नहीं रहती है, मोस्टली मतलब रहती नहीं है, काल्पनिक मतलब इमेजिनेशन से हमें ये लिखना है. ठीक है, या प्रकारच्या लेखनातील निवेदन हे प्रथम पुरुषी असावे लागते. ज्याचे आत्मवृत्त लिहायचे आहे त्याच्या वतीने आपणच त्याच्या मुखातून बोलत आहोत हे लक्षात ठेवले पाहिजे. प्राणी आणि पक्षी, व्यक्ती, वृक्ष, तसेच टेबल, खुर्ची, टीव्ही अशा विविध सजीव निर्जीव गोष्टींचे मनोगत लिहिताना त्यांच्या आयुष्यातील महत्वाचे ठळक प्रसंग, त्यांच्या वाट्याला आलेले सुख दुःख याचा उल्लेख आवश्यक असतो. चांगले वाईट असे दोन्ही अनुभव मांडावेत, याच्या त्यांच्या इच्छा अपेक्षांचा उल्लेख करावा. देखो यहाँ पे जो है वो इमेजिनेशन से लिखना है, और प्रथम पुरुषी निवेदन मतलब क्या, जो हम लिखने वाले हैं कि जिस चीज के बारे में लिखने वाले हैं वो खुद बोल रहा है. फॉर एग्जाम्पल मैं पुस्तक बोलता है, मैं झाड़ बोलता है, तो हमें वो सोच के लिखना है कि मैं पुस्तक हूँ और पुस्तक क्या बोल रहा है उसके बारे में वो हमें लिखना है. फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स के बारे में लिख सकते, कोई भी सजीव निर्जीव मतलब कोई भी लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग दी जाएगी और उसके बारे में हमें लिखना है. ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि ये हमेशा एक वचनी लिखना है, मतलब मी टेबल बोलना है, ऐसे कुछ भी कोई भी चीज आ सकती है और उसके बारे में ऐसे सोचना है कि हम वो चीज है. ठीक है, और हमें वैसे वो निबंध लिखना है. इसके लिए ये इमेजिनेशन, काल्पनिक आत्मवृत्त बोला जाता है उसको, तो इमेजिनेशन करके हमें ये लिखना है. अभी देखो आत्मकथन में कौन से टॉपिक्स आएंगे, कौन से पॉइंट्स हमें अच्छे से इम्पॉर्टेंस है. माणसाप्रमाणेच अन्य प्राणी, पक्षी, जलचर, वनस्पती यांना भाव भावना व सुख दुःख असे मानणे. हमें सोचना है कि जैसे इंसानों को फीलिंग्स रहती है वैसे ही क्या बर्ड्स को या जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है उनको भी फीलिंग्स रहती है, ऐसे सोच के हमें निबंध लिखना है.
मानसाप्रमाणेच निर्जीव वस्तूंना ही सुख दुःखे वगैरे भावना असतात. निर्जीव वस्तू मतलब वही नॉन लिविंग थिंग, जैसे टेबल है, पेन है, बुक है, तो ये भी नॉन लिविंग थिंग्स है. अभी आप सोचेंगे वो कैसे बोलेगा, पर हमें इमेजिन करके ये निबंध लिखना है. ठीक है. माणसाच्या जीवनात सर्व प्राणी मात्र व निर्जीव वस्तु यांचे महत्वाचे कार्य असते हे लक्षात घेणे. देखो कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि हमारे यूज की नहीं रहती है. सब चीजें रहती है वो हमारी यूज की रहती है, यूजफुल रहती है. इसके लिए उनका हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस रहता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे टेबल है, बुक है, कोई भी चीज हम लेंगे तो सबका यूज रहता है. इसके लिए हमें वो सोच के ही लिखना है. खरे सर्वच प्राणी मात्र व निर्जीव वस्तु या सगळ्यांचे अस्तित्व एकमेकांवर अवलंबून असते असे मानणे. क्या करना है, हमें सोचना है कि सब एक दूसरे पे डिपेंड है, ऐसे सोच के हमें निबंध लिखना है. अन्य गोष्टींच्या जागी आपण आहोत असे मानून कल्पनेने त्यांच्या सुख दुःखाचा अनुभव घेणे याचे आणि त्याचे लेखन करणे. हमें क्या सोचना है कि हम वो चीज है और वो सोच के हमें लिखना है और उसका जो सुख दुख है उसका एक्सपीरियंस हमें लेना है. ठीक है, वो सोच के हमें निबंध लिखना है. या निबंधात सजीव व निर्जीव वस्तू स्वतः बोलत आहे अशी कल्पना केलेली असल्याने या निबंधाचे लेखन प्रथम पुरुषी एकवचनी असले पाहिजे. क्या करना है, जो सजीव निर्जीव कोई भी चीज है उसको वो खुद बोल रहे हैं ऐसे सोच के इमेजिन करके हमें ये निबंध लिखना है. ये याद रखो. अभी इस टाइप में जो आत्मकथन है इसमें कौन से टाइप के निबंध आते हैं, देखो मी क्रीडांगण बोलतोय. क्रीडांगण मतलब ग्राउंड, जो प्ले ग्राउंड रहता है वो. मी राष्ट्रध्वज बोलतोय, मी पाऊस बोलतोय, पागेचे आत्मकथन, झाडाचे आत्मकथन, नारळाचे आत्मकथन, शेतकऱ्याचे मनोगत, कामगाराचे मनोगत. मतलब क्या वो खुद हम वो है, जैसे मी पाऊस बोलते, जैसे मैं खुद पाऊस हूँ, बारिश हूँ और मैं बारिश के बारे में हमें फिर लिखना है, ऐसे सोच के लिखना है. ठीक है, तभी यहाँ पे आत्मकथन में मैंने जो टॉपिक लिया है आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, तो एका झाड़ाची आत्मकथा. तो मैं ये एक्सप्लेन करूंगी, आपको बताऊंगी कि ये कैसे लिखना है. ठीक है, अभी झाड़ आपको पता है, पेड़, तो पेड़ के बारे में हमें लिखना है कि ये पेड़ मतलब खुद मैं ही खुद पेड़ हूँ और बोल रहा हूँ, ऐसे हमें यहाँ पे लिखना है. देखो यहाँ पे तो पॉइंट्स नहीं दिए, हमें सिर्फ टॉपिक दिया है कि मी झाड़ाची आत्मकथा, तो हमें वो सोच के हमें ये निबंध लिखना है. ठीक है, तो देखो अभी ये निबंध में क्या लिखा है. मी एक झाड़ बोलतोय, मी आज तुमच्या समोर माझे मनोगत व्यक्त करणार आहे. देखो ये जो पेड़ है वो खुद ही बात कर रहे हैं, खुद के बारे में बता रहे हैं, ऐसे हमें निबंध में हमेशा लिखना है. सध्याच्या आधुनिक आणि तंत्रज्ञान प्रिय जगात तुम्ही मला विसरला आहात, मी तुम्हाला आज माझे महत्व पटवून देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. अभी वो क्या बोल रहे हैं, देखो पेड़ जो है स्टार्टिंग हमें कैसी करनी है मैंने पहले ही बताया, तो यहाँ पे बताया गया ही जो पेड़ है वो बता रहा है कि वो खुद अभी जो तो खुद का इम्पोर्टेंस हमें बताने वाला है कि क्या है इम्पोर्टेंस पेड़ का. ठीक है, माझ्यामुळे तुम्हाला जीवनावश्यक ऑक्सिजन मिळते. ऑक्सिजन ज्याच्याशिवाय मानव 5 मिनिटांपेक्षा जास्त जगूही शकत नाही. मी जर ऑक्सिजन निर्माण नाही केला तर तुम्ही श्वास कसा घ्याल, निसर्गाचा ऱ्हास करून बनवलेल्या घरात कसे राहाल, जंगले तोडून बांधलेल्या रस्त्यावर प्रवास कसा कराल. जर झाडे नसतील तर या पृथ्वीवरचे जीवनाचं नष्ट होईल, जीवनच नष्ट होईल. हे सारे समजायला किती सोपे आहे, पण तरीही तुम्ही का वृक्षतोड करतात, का वनवे पेटवता. अभी देखो यहाँ पे इस पैराग्राफ में उसने बताया है कि मैं पेड़ हूँ और मेरे वजह से आपको ऑक्सीजन मिलता है. आप 5 मिनट से ज्यादा भी ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते हो, और आप क्यों पेड़ तोड़ रहे हो, जंगल तोड़ रहे हो, फॉरेस्ट तोड़ा जाता है ना बिल्डिंग बनाने के लिए, तो इसके लिए यहाँ पे बताया गया है. ठीक है, तुमच्या सारखे आम्ही सुद्धा जिवंत आहोत. अभी यहाँ पे बताया गया, अभी झाड़ है, पेड़ है, तो पेड़ भी लिविंग थिंग है, सबको पता है. तो यहाँ पे बताया कि तुमच्या सारखे आम्ही पण आम्ही सुद्धा जिवंत आहोत. आम्हालाही भावना आहेत, हम लोग को भी फीलिंग्स आहे. आम्हालाही वेदना आहे होतात. तुमच्या मुलांना प्रियजनांना थोडेसे खर्चटले की तुमच्या मनाची घालमेल होते. पण झाडाच्या फांद्या तोडताना, फळांसाठी दगड मारताना, करवतीने कुऱ्हाडीने वृक्षांना कापताना तुम्हाला काहीच कसे वाटत नाही, डोळ्यात अश्रू नाही, पण मनात एक साधा विचार ही येत नाही
एवढ्या मानुष कसे झाला तुम्ही। अभी देखो यहाँ पे वो जो पेड़ है वो क्या बता रहा है हमें कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, जो पेड़ है वो तोड़ना नहीं चाहिए, पेड़ों से हमें क्या फल मिलता है। तो यहाँ पे आप खेलते हो अच्छे से ये करते हो, और आप ही हमें क्या पत्थर मारते हो और कट करते हो, काट के लेके जाते हो हमारे जो मतलब जो लकड़ी रहता है वो। तो यहाँ पे यही बताया कि आपके बच्चों को अगर लगेगा तो मारेंगे तो लग जाएगा तो कैसे आपको फीलिंग आती है। तो आप हमें इतना ये करते हो तो हमारे आंखों में आंसू नहीं आते होंगे क्या। तो ये फीलिंग यहाँ पे पेड़ के बारे में बताई गई है। ठीक है, अभी देखो हर एक इसमें आप देख सकते हो वो खुद पेड़ बोल रहा है, हमें ये नहीं बताना है कि पेड़ ये बोल रहे हैं, हमें ये बताना है कि मैं खुद पेड़ हूँ ये सोच के हमें ये निबंध लिखना है। नेक्स्ट देखो, झाडा झुडपांमुळे जमिनीची धूप कमी होते, झाडांची मुळे माती धरून ठेवतात, त्याने जमिनीचा पोत टिकून राहतो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि पेड़ों के वजह से हमें धूप कम हो जाती है। ठीक है, यामुळे कमीत कमी कृत्रिम रासायनिक खतांच्या मदतीने चांगले पीक घेता येते। जर चांगली पिके आली तर गरीब शेतकऱ्यांना मोठे काय मोठे काम करता येते, त्याला आत्महत्या करावी लागणार नाही। ठीक है, तो अगर पेड़ रहेंगे तो शेतकरी जो रहता है उसको सुसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पेड़ ही काट दोगे तो जो शेतकरी है, गरीब फार्मर है, वो कैसे काम करेगा। ठीक है, माझे मनोगत ऐका आणि प्रत्येकाने एक नहीं चार चार झाड़े लावा। अभी देखो पेड़ क्या बोल रहा है कि एक नहीं तो चार चार पेड़ लगाने के लिए बोल रहा है। वाढदिवसात लग्नात इतर भेटवस्तू देण्याऐवजी झाडाचे रोपटे भेट म्हणून द्या। मोकळ्या जागेत डोंगर उतारावर झाडे लावा, फक्त आपल्या जमिनीवरील नाही तर दुसऱ्यांच्या झाडांनाही पाणी घाला, पशूंपासून त्यांची रक्षा करा, वनमा लावून देऊ नका। तुम्ही निसर्गाचा आदर करा, निसर्ग तुमचे संगोपन करेल। निसर्ग खूप बलाढ्य आहे, तो खूप सहनशील आहे, पण त्याच्या संयमाचा अंत पाहू नका, हीच विनंती। सर्वात शेवटी मी एकच मंत्र देईल, झाडे लावा झाडे जगवा। देखो यहाँ पे जो शेवट है कैसे अट्रैक्टिव बनाया है, तो यहाँ पे लिखा है कि मंत्र दिया है कि झाड़े लावा झाड़े जगवा। ठीक है, आपको समझ में आया। तो जो नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि हमें पेड़ लगाना है, जैसे हमारे बर्थडे रहेगा या कुछ जो फंक्शन रहेगा उसमें हम अलग अलग एक्सपेंसिव गिफ्ट देते हैं, तो उससे अच्छा हमें क्या करना चाहिए, तो हर एक को पेड़ देने चाहिए गिफ्ट में, ऐसे यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये यह आत्मकथन आपको समझ में आया है कि आत्मकथन कैसे लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा लास्ट जो थर्ड टॉपिक है वो है वैचारिक निबंध। अभी वैचारिक निबंध में क्या है, तो कोणत्याही विषयाचा सखोल व सर्वांगीण आढावा देऊन घेऊन स्वतःचे मौलिक विचार मुद्देसूद मांडणे। अभी यहाँ पे स्वतःचे मतलब ओन अपनी जो थिंकिंग है वो हमें इसमें लिखनी है। अभी इसमें क्या है, देखो दिलेल्या विषयांवर सर्व बाजूंनी उहापोह करून स्वतःचे विचार मांडणे। जो भी टॉपिक दिया है उसके ऊपर हमें खुद के ओन थिंकिंग बतानी है। दिलेल्या विषयावर आपल्या अवतीभोवतीच्या परिस्थितीबाबतच असतो, त्या परिस्थिती तुम्हाला कोणत्या त्रुटी जाणवतात, त्यात नसणे यात नसणे, त्रुटींमागे कोणती कारणे आहेत, त्या त्रुटी दूर कशा करता येतील, त्या दूर करताना कोणत्या अडचणी संभवतात, त्या अडचणींवर मात कशी करता येईल, या प्रश्नांची उत्तरे मांडणे वैचारिक निबंधात अपेक्षित आहे। मतलब क्या मिस्टेक है, क्या कुछ चीजें गलत है, तो वो हमें उसमें लिखनी है। तुमचे स्वतःचे विचार, स्वतःच्या कल्पना, मतलब खुद के विचार, खुद की फीलिंग्स, हमें इमेजिनेशन, वो सब हमें इसमें लिखना है। निबंधाची भाषा सोपी सरळ असावी, साधी सोपी सिंपल रहनी चाहिए। ठीक है, स्वतःचे विचार मनापासून प्रामाणिकपणे मांडता येईल असे गंभीर व उच्च दर्जाचा असावा। कुछ भी कन्फ्यूजन टाइप हमें नहीं लिखना है। ठीक है, अभी वैचारिक निबंध कौन से टाइप में रहते हैं, जैसे झाड़े लावा झाड़े जगवा, इंटरनेटचे महत्व, लोकसंख्या वाढीचे दुष्परिणाम, स्वच्छ भारत अभियान, मोबाईल शाप्की वरदान, प्लास्टिक एक समस्या, पाणी हे जीवन, तो इस टाइप के निबंध वैचारिक निबंध में आते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें अपने खुद की ओन थिंकिंग से हमें ये निबंध लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैंने लिया है मोबाइल शाप्की वरदान, तो इसके बारे में तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सब आप लिख सक इजीली लिख सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, वो मैं थोड़ा बताती हूँ आपको, मोबाइल का कैसे शाप है या हमारे लिए या वरदान है, दोनों इसमें हमें ये लिखना है। ठीक है, माणसाने लावलेल्या अनेक शोधांमध्ये स्मार्टफोन म्हणजे मोबाईलचा शोध हा सर्वात महान शोध म्हणावा लागेल।
पुराण कथेतील वामनाने 3.5 पावलांमध्ये सर्व विश्व पादांक्रांत केल्याचे सांगितले जाते. पण मोबाईलच्या इवल्याच्या उपकरणाने एका पावलात अक्षरशः संपूर्ण जग पादांक्रांत केले आहे. आज श्रीमंतापासून ते गरीब लोकांपर्यंत अक्षरशः सर्वांच्या खिशात हा मोबाईल असतो. या मोबाईल शिवाय हल्ली कोणाचे पान ही हलत नाही. अभी आपको सबको पता है, अमीर से लेके गरीब लोगों तक आज सबके हाथ में मोबाइल आपको दिखेगा और मोबाइल के सिवा हम रह नहीं सकते. ठीक है, यह हमें फर्स्ट पैराग्राफ में बताना है. या मोबाईलने अल्पावधीतच आपले प्रताप दाखवायला सुरुवात केली आहे. सर्व लोक या मोबाईलच्या पूर्णपणे आहारी गेलेले आहे. कोठेही जा लोक मोबाईलवर कोणाशी ना कोणाशी तरी सतत बोलत असतात. गाडीतून उतरल्यावर, रस्त्याने चालताना, गाडी चालवताना, इतकेच नव्हे तर घरी आल्यावरही सतत कोणाशी तरी बोलत असतात. सतत बोलण्यात गुंतल्यामुळे बोलणाऱ्यांचे भोवतालच्या माणसांकडे लक्ष नसते. त्यामुळे माणूस भावनिक दृष्ट्या इतर व्यक्तींपासून दुरावत चालला आहे. एक प्रकारचा दुरावा निर्माण होत आहे. व्यक्तीला निवांतपणे स्वतःकडे पाहायला वेळ राहिलेला नाही. आजकाल मोबाईल मध्ये गेम खेळतो खेळणे नेहमीची गोष्ट झालेली आहे. त्यातच पबजी या गेमने धुमाकूळ घातला आहे. मुले तहान भूक विसरून हा गेम खेळतात. त्यामुळे त्यांच्या अभ्यासाकडे हा व आरोग्याकडे दुर्लक्ष होते. देखो यहाँ पे इतना बताया कि हम लोग मोबाईल के बिना नहीं रह सकते, कंटिन्यू मोबाईल यूज कर रहे है. मोबाईलमुळे शारीरिक दुष्परिणाम होतात. हे उपकरण सतत कानाला लावून ठेवल्याने इलेक्ट्रॉनिक किरण मेंदूवर विपरीत परिणाम करतात. त्याचबरोबर माणसातील विकृतीला खूप वाव मिळू लागतो. इतरांना वाईट साईड SMS व्हॉट्सअप करणे, बदनामी कारक मजकूर पाठवणे हे सर्रास घडत आहे. मतलब देखो बॅड थिंग्स भी हो रहे मोबाईल की वजह से. परीक्षेतील गैरव्यवहारासाठी या उपकरणाचा उपयोग विद्यार्थी खूप चतुराईने करत आहे. मतलब कॉपी करणे के लिए भी यूज किया जा रहा है. मात्र मोबाईलला शाप म्हणणे खूपच एकांगी आहे. हम उसके निगेटिव्हली नहीं जा सकते, तो उसके पॉझिटिव भी पॉइंट्स है. वास्तविक पाहता मोबाईल हे संपर्काचे उत्कृष्ट माध्यम आहे. हम मोबाईल के बिना मोबाईल से हम सबको संपर्क मतलब कॉन्टॅक्ट में है. मोबाईल की वजह से मोबाईल नहीं होता तो हम इतने कॉन्टॅक्ट में लोगों से नहीं रहते. याशिवाय मोबाईलचा अतिरिक्त वापर हा अनेक शारीरिक व्याधींना निमंत्रण देणारा असतो. मतलब क्या शारीरिक व्याधींना, मतलब कुछ हमें फिजिकली भी प्रॉब्लेम आते है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मेंदू, हृदय, किडनी इत्यादी अवयवांवर ही मोबाईल फार मोठा परिणाम करू शकतो. एकूणच काय तर मोबाईल योग्य वापर केला तर मोबाईल वरदान आहे, नाही तर शाप. देखो यहाँ पे एंडिंग में बताया गया है, अगर हम उसका अच्छे से यूज करेंगे तो हमारे लिए वो वरदान है, नहीं तो वो शाप है अगर हम उसका मिसयूज करेंगे तो. ठीक है, तो इसमें हमें आपको अपनी खुद की वैचारिक मतलब खुद का ओन थिंकिंग से हमें लिखना है. ठीक है, आई होप आपको तीनों समझ में आया होगा. जो तीनों हमारे टॉपिक है वो सब समझ में आए होंगे. प्रसंग लेखन है, आत्मकथन और लास्ट है वैचारिक निबंध. ठीक है, तो जो भी टॉपिक आएंगे वो अच्छे से सोच के लिखना है और निबंध कंप्लीट करना है. ओके, सो थैंक यू.